आज बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। जो वाटर पोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। पहले हमने बात की थी एयर पोल्यूशन के बारे में, जो एयर पोल्यूशन होता है वो क्या होता है। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, देखिए जो वाटर है अगर वो गंदा हो जाए, यानी कि वो अपना कलर चेंज कर ले किसी कारणवश, या अपनी जो उसकी सुगंध है वो चेंज कर ले, उसके अंदर से स्मेल आने लग जाए, तो इस तरह के इसके अंदर अगर वो जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो स्पॉइल हो जाए, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब हो जाए, उसका स्मेल चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, इस तरह से अगर उसके अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाए, वाटर को डर्टी कर दें, गंदा कर दें, तो इस तरह के कुछ पार्टिकल इसके अंदर ऐड हो जाए वाटर के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वाटर पोल्यूट हो चुका है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको अगर हम पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है अगर उसको हम पीते हैं। तो ये क्यों होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं अगर हम वाटर के अंदर उनको छोड़ देते हैं या बाय चांस हम फेंक देते हैं, उनके कारण पानी खराब हो जाता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए सीवेज है, सीवेज डायरेक्टली क्या है, पानी के अंदर आप छोड़ दें, किसी नदी के अंदर छोड़ दें, या फिर कोई टॉक्सिक केमिकल है वो डायरेक्टली जो है इसके अंदर छोड़ दें। इसी तरह से कोई डस्ट है या डर्ट है या कोई भी बेकार की चीज है, प्लास्टिक है, आप पानी के अंदर गिरा दें, तो उससे क्या हो जाता है, पानी जो है पोल्यूटेड हो जाता है, और जो ये सारे सब्सटेंस हैं जो उसका कलर स्मेल और जो उसको डर्टी करते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट उसको बोला जाता है क्योंकि ये वाटर को पोल्यूट करने का काम करते हैं। तो ये होता है वाटर पोल्यूशन और इन कारणों से ये फैलता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।